वार्ड पार्षद भी हमारे साथ हैं, तो आइए इस चुनाव में जानते हैं कि वार्ड पार्षद और मतलब इन लोगों का क्या सोच है और क्या इनका कहना है। जी नमस्ते जी, तो जैसा कि कोरोना काल में चुनाव चल रहा है तो इसको देखते हुए आप लोगों की तरफ से क्या सावधानी मतलब जनता और क्या आप लोगों की सुविधा प्रदान कर रहे हैं? जनता को हम लोग ई रिक्शा के माध्यम से ला रहे हैं, ताकि बहुत सारी जनता निकल न जाइए कोरोना के लेकर वोट करने के लिए, और उनको घर से बूथ पर लाया जा रहा है ई रिक्शा के माध्यम से। ई रिक्शा पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था है, लोगों को सैनिटाइज करवा कर ही उनके अंदर प्रवेश और उनको फिर घर तक छोड़ा जा रहा है इस कोरोना काल में। जैसा कि मतलब सुनने में आ रहा है या देख रहे हैं कि कोरोना के मतदान प्रतिशत भी बढ़ चुका है, तो ऐसा आप लोगों को क्या लग रहा है? मतदान प्रतिशत कोरोना के कारण ही कम है, लोग अभी भी कुछ भयभीत है, मगर ऐसा तो कुछ है ना, रिस्क भी भयभीत है कि हम बूथ पे जाएंगे बहुत भीड़ भाड़ होगा कोरोना, और लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आए तुरंत बूथ पे आइए और वोट कीजिए। आपके लिए व्यवस्था है, लाइनिंग का व्यवस्था है, सैनिटाइजर का व्यवस्था है और मास्क का व्यवस्था है। आप लोग निकलिए घर से और अपना दान जो कि महादान होता है मतदान जरूर कीजिए। इस बार अभी तक कितना वोट प्रतिशत होगा? अभी तक 30% हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि 45% वोटिंग हो। क्षेत्र में जनता का क्या मतलब कुछ नाराजगी या कुछ मुद्दे वगैरह कुछ किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है? यहाँ हमारा जो स्थानीय विधायक हैं वो विकास का कार्य किए हैं, नीतीश बाबू हैं सरकार में, एनडीए सरकार में, अभी विकास सड़क पुल पुलिया बहुत सारे निर्माण किए हैं। इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।